तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक ऊपर वीडियो में लेकर के आया हूँ, आज हमारा ये बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर शायद 11 या 12वां वीडियो है। और ये सारी वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोबाइल फोन के अंदर जो प्लेट यूज होती है, उस प्लेट को बेसिकली कैसे चेक किया जाएगा, उसको मैं आपको चेक करने का पूरा तरीका मैं आपको दोस्तों सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हमारे टॉपिक ऊपर चलते हैं और हम लोग सीखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, मोबाइल फोन बेसिक चेकिंग कॉन्सेप्ट। मोबाइल फोन को बेसिकली चेक कैसे किया जाता है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आज ट्रांसफार्मर के ऊपर होने वाला है। इस ट्रांसफार्मर को इसकी भाषा में म्यूचुअल कपलर भी बोला जाता है। ट्रांसफार्मर भी कहते हैं उसको, म्यूचुअल कपलर भी कहते हैं। तो आज हमारा दोस्तों जो बेसिक टेस्टिंग ऊपर, शायद ये 11 होगा या तो 12, इस तरीके से कोई भी वीडियो हो सकता है, मुझे भी कोई कंफर्म नहीं रहता। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के लिए जो मैं सीरीज लेकर गया हूँ, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको मोबाइल फोन को बेसिक चेक करने का तरीका तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आप मोबाइल फोन को कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या होता है, इन सब चीज के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको कराए जाते हैं। यहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के कंप्लीट मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सिखाया जाता है। कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को किस तरीके से बनाया जाता है, मोबाइल फोन को बनाने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन को बनाने का सिस्टम क्या होता है, इस तरीके से हम आपको सिखाते हैं, ये सब चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक ऊपर चलते हैं और अपने टॉपिक को कवर करते हैं और हम आपको सिखाते हैं कि ट्रांसफार्मर का हमारे मोबाइल फोन के लाइन में क्या रोल रहता है, ट्रांसफार्मर के खराब होने से मोबाइल फोन में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या शिकायत आती है और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये दोस्तों जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो लोग मोबाइल फोन के लाइन में बिल्कुल जीरो हैं, मोबाइल फोन के लाइन में फ्रेशर हैं और आज वो मोबाइल फोन के लाइन में अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो ये हमारी वीडियो को अपनी डेमो वीडियो समझ सकते हैं। जब आप मेरे पास सीखने के लिए आएंगे तो हम आपको इसी तरीके से आपको सिखाएंगे। और जितने भी सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे आ चुके हैं अभी फिलहाल इस बैच के, तो हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको इस बैच का लाइव रनिंग क्लास भी दूंगा, जिससे आप उस लाइव रनिंग क्लास को देख सकते हैं, उस लाइव रनिंग क्लास के माध्यम से काफी मोबाइल फोन के तौर तरीके को सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर ट्रांसफार्मर का क्या रोल होता है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर को चेक कैसे किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को पास करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो मोबाइल फोन के अंदर सिग्नल को पास करता है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, मोबाइल फोन में आने वाले सिग्नल को पास करना। अच्छा, ये सिग्नल पास करने की बात आती है तो जाहिर सी बात है इसका यूज भी सिग्नल की जगह पर ही होगा। जैसे आपका मोबाइल फोन में इसका उपयोग या तो नेटवर्क में किया जाता है, या तो वाईफाई की जगह पर किया जाता है, या तो ब्लूटूथ FM की जगह पे किया जाता है, इन्हीं जगह पर इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ये हमारे मोबाइल फोन में बेसिकली तौर पर देखा जाए तो सिग्नल को पास करने का काम करता है, कि कोई भी सिग्नल आता है उस सिग्नल को कैसे पास करता है, उसका पास करने का तरीका क्या होता है, तो ये हमारा काम करता है। इसी के आधार पर ही हम लोग मोबाइल फोन को प्रॉब्लम को भी समझेंगे। अब बात आती है कि ये दिखाई कैसे देता है, इसको बोर्ड में पहचानेंगे कैसे। अगर आपके पास कोई फोन बनने के लिए आएगा तो आप ट्रांसफार्मर को कैसे पहचानेंगे। देखिए, रियल शेप को हिंदी में बोलते हैं आकृति, आकार, डिजाइन, फोटो, शेप, कुछ भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में दिखता है। इसकी पूरी बॉडी जो होती है व्हाइट कलर की पाई जाती है और इसमें 6 पिन होती है। इसके ऊपर एक ब्लैक या ग्रे कलर का एक डॉट भी लगा होता है, ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट होता है। और इसकी जो पूरी बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी व्हाइट कलर की पाई जाती है, मतलब पूरी बॉडी व्हाइट कलर की होती है। कुछ मोबाइल फोन में ये बॉडी ब्लू कलर की भी हल्की सी देखने को मिलती है।
अगर आप इसको देखेंगे तो ये डॉट लगा होता है, 6 पिन होती है और ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट लगा होता है और व्हाइट कलर की या ब्लू कलर की बॉडी पाई जाती है। अब बात आते हैं, ये रियल शेप तो मैंने आपको बताया, अब हम लोग बात करते हैं इसका डिनोटिंग लेटर। डिनोटिंग लेटर को हम लोग बोलते हैं प्रतीक अक्षर। अच्छा, ट्रांसफार्मर का डिनोटिंग लेटर टी होता है। सिंबल, सिंबल का मतलब होता है निशान। ये दिखने में इसका सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से इसका क्या होता है, सिंबल होता है। इसका वर्क होता है सिग्नल पास करना। अच्छा, इसका काम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो हमारे मोबाइल फोन में फिलहाल नहीं होते, वो एसी करंट में से अलग अलग रूप हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल फोन में जो यूज होता है तो ये म्यूचुअल कपलर की तरह काम करता है। म्यूचुअल कपलर का मतलब आप समझ सकते हैं, जब किसी दो ट्रैक को आपस में जोड़े उस काम को हम लोग इसकी भाषा में म्यूचुअल कपलर बोलते हैं और यह सिग्नल को पास करने का काम करता है। अब बात आती है यहाँ पर टेस्टिंग की, बात आती है कि इसको आप चेक कैसे करेंगे, टेस्ट करने का तरीका क्या होता है। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। कहां पर सेट करते हैं, बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर आमने सामने बीप दे तो ओके, फॉल्टी। बीप ना दे बीप नहीं देता तो खराब है। अच्छा, ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करेंगे, ट्रांसफार्मर यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को पास करता है। जो भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर सिग्नल आ रहे होते हैं उनको पास करने का काम करता है। पहली बात ये नेटवर्क है, वाईफाई या ब्लूटूथ FM, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। रियल शेप ये 6 पिन का होता है, 3 पिन ऊपर होती है, 3 पिन नीचे होती है। ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट होता है, व्हाइट या ब्लू कलर की बॉडी पाई जाती है। इसका डिनोटिंग लेटर टी होता है और ये इसका सिंबल होता है। इसका काम होता है सिग्नल को पास करना। जो भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर सिग्नल आते हैं उस सिग्नल को क्या करता है, पास करने का काम करता है। दूसरी बात होती है टेस्टिंग, इसकी टेस्टिंग क्या होती है। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, बजर पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर आमने सामने की पिन में बीप दे, अगर हम मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट करते हैं और बजर पॉइंट पर सेट करने के बाद जब हम लोग चेक करेंगे, अगर आमने सामने के पॉइंट में अगर ये बीप देता है तो इसका मतलब सही है, और बीप नहीं देता दोस्त तो ये हमारा खराब होता है, खराब हो जाता है। अच्छा, इसका काम करने का तरीका क्या होता है, काम कैसे करता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर ये एंटीना के पॉइंट्स बने होते हैं, एंटीना के पॉइंट से सिग्नल आते हुए हमारा आगे आ जाता है और ट्रांसफार्मर का इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर इस तरीके से ऐसे 6 पिन होती है, 6 पिन के अंदर ट्रांसफार्मर हमारा सिग्नल घुसता है, घुसने के बाद वो सिग्नल हमारा आगे पास हो जाता है, किसी और चीज के लिए चला जाता है। तो एक तरीके का देखा जाए तो ये सिग्नल को पास करने का काम करता है। तो अगर ये कल को खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको यहां से उठा करके इस तरीके से एटीटीस अगर आप जंपर मार देते हैं तब भी काम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा भी देखा गया कि ये 2 लाइन को ऐसे पास करने का काम करता है तो फिर आप इसमें से 2 जंपर मारना पड़ता है, या जितनी भी सारी लाइनों को पास करता है तो लाइनों को आपस में जोड़ देते हैं, आने वाली और जाने वाली लाइन को जोड़ देते हैं और हमारा ट्रांसफार्मर बाईपास हो जाता है और हमारा सर्किट काम करना चालू हो जाता है। तो ये मोस्टली हमारे सर्किट को, हमारे सेक्शन को बाईपास करने का काम करता है। 5G मोबाइल फोन में ये बहुत पाया जाता है। 5G मोबाइल फोन में नेटवर्क में आजकल देखा जाए तो इसका बहुत काफी उपयोग हो रहा है। पहले 4G मोबाइल फोन में तो एक आध यूज होता था, नहीं भी पाया जाता था, लेकिन आजकल 5G मोबाइल फोन में बहुत देखा जा रहा है। इसके खराब होने से हमारे हैंडसेट में ये प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क से संबंधित समस्या आती है और इस पर हम लोग जंपर मार देते हैं, जंपर मारने से हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। अच्छा, इसके खराब होने से आपके मोबाइल फोन में से अगर 5G टावर है तो वो भी कैच करना छोड़ देते हैं, सिग्नल वीकनेस की समस्या आ जाती है, नेटवर्क नहीं आने की समस्या आ जाती है, घर के अंदर घुस जाओ तो टावर नहीं आएंगे, बाहर आओ तो टावर आ जाएंगे, इस तरीके से अनगिनत बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं
जिनके खराब होने के चलते मैं ट्रांसफार्मर को हटा करके हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, या तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसको, भाई इतना सारा कहानी तो हमने समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि इसको मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे, प्लेट में कैसे पहचानेंगे, बोर्ड में कैसे दिखोगे। तो मैं बोर्ड में भी आपको इसको दिखाता हूँ और इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसको बोर्ड में, मदरबोर्ड में कैसे चेक करेंगे। जैसे कि मेरे पास बोर्ड है और इस बोर्ड में मैं ट्रांसफार्मर का आकृति, डिजाइन, फोटो, कुछ भी आप कह सकते हैं, मैं उसको आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा जो पाया जाता है व्हाइट कलर का, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अगर आप इसमें से गौर से देखेंगे तो ये इसमें से इसकी 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से देखेंगे तो एंटीना से सिग्नल होते हुए इस पिन पे आ रहा है और इस पिन से सिग्नल निकलते हुए आगे जा रहा है। तो अगर कल को खराब हो जाएगा तो यहाँ से आप ऐसे जम्पर मार देंगे, ट्रांसफार्मर हटा देंगे, तो ये हमारा बाईपास हो जाएगा और इसके खराब होने से नेटवर्क संबंधित हमारे मोबाइल फोन में से समस्या आती है। डिपेंड करता है, अगर ये वाईफाई में लगा है तो वाईफाई काम करना बंद कर देता है, वाईफाई कैचिंग छोड़ देता है, या नेटवर्क में लगा होता है खराब हो जाता है तो नेटवर्क संबंधित समस्या आती है। मोस्टली मैंने आपको पहले ही बताया है ये नेटवर्क में यूज होता है, वाईफाई में यूज होता है, ब्लूटूथ एफएम में यूज होता है। इसके खराब होने से सिग्नल पास होना बंद हो जाता है। ये म्यूचुअल कपलर जोड़ने का काम करता है, ट्रैक को जोड़ने का काम करता है, इसके खराब होने से समस्या आती है। तो आप बोर्ड में इसको, इसमें देखेंगे छोटा सा ऐसा देखो डॉट भी बना हुआ है। ये डॉट कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है या तो ग्रे कलर का होता है। इसकी बॉडी जो होती है व्हाइट कलर की पाई जाती है या हल्का सा ब्लू शेड में भी बॉडी पाई जाती है, और ये इस तरीके से आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। आप चाहें तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये आपका ट्रांसफार्मर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसफार्मर लिख देता हूं भैया, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल कपलर। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल कपलर होता है। आप देखिए, ये मैंने आज आपको मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में बताया है। जितने भी सारे लोग हैं, जो लोग स्टूडेंट, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को आप अच्छे से जो मैंने आपको बताया है राइटिंग पैड में नोट करिए, इसको एक एक करके समझिए, ताकि मोबाइल फोन में आने वाली समस्याओं को, मोबाइल फोन में यूज होने वाले टूल्स को, मोबाइल फोन में यूज होने वाले पार्ट्स को, या मोबाइल फोन में काम करने वाले कंपोनेंट्स को, इन सब चीजों के बारे में आप सीखें, समझें। क्योंकि जितने भी सारे जो फ्रेशर लोग होते हैं, जीरो लोग जो बिल्कुल जीरो से काम स्टार्ट करते हैं, उनका सीखने का तरीका क्या होता है, जो किसी काम को कैसे सीखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि सबसे पहली बात कोई भी चीज है उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन से पुर्जे लगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे, उन कंपोनेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। वो सारे कंपोनेंट काम कैसे करते हैं, उस कंपोनेंट के खराब होने से मोबाइल फोन में समस्याएं क्या आती हैं, उसके वजह से मोबाइल फोन में क्या क्या फॉल्ट क्रिएट हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है तभी तो हम मोबाइल फोन बना पाते हैं, तभी तो किसी मोबाइल फोन को ठीक कर पाते हैं। भाई डॉक्टर जो होता है, अगर आपको बुखार है तो बुखार का मतलब होता है वो नहीं देखता बुखार है, वो उसका सॉल्ट जानता है, उस सॉल्ट के हिसाब से दवा कोई भी लिख देता है, उस दवा के अंदर सॉल्ट होना चाहिए और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। उसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर कस्टमर कोई भी समस्या जब हमारे पास लेकर के आता है तो हम लोग उसकी समस्या के हिसाब से काम नहीं करते, हम लोग उस समस्या में देखते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या सप्लाई कहाँ पर आ रही है, उसके लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हैं, जिसके खराब होने से वो लाइन बंद हो जाती है, वो लाइन काम करना बंद कर देती है, तो उसको हम लोग उसी के हिसाब से रिपेयर करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझाया है, इसको अच्छे से नोट करिए, अच्छे से अपने कॉपी राइटिंग पैड में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इसी तरीके से कोई भी एक स्क्रैप मोबाइल फोन का बोर्ड कलेक्ट कर लीजिए और उस बोर्ड में से एक मल्टीमीटर ले लीजिए, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से टेस्टिंग करिए। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको मोबाइल फोन में मदरबोर्ड को चेक करना बहुत कुछ आएगा। अच्छा, आप ही जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझे ये मैसेज किया हुआ है कि सर मैं मोबाइल फोन रिपेयरिंग जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो डाला है तो वो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। उसमें से हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर देखिए मैंने ये सारी चीजों को लिखा हुआ है,
उसमें से एक हमारे स्टूडेंट है जो मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने आज हमारे से बात हुई और काफी उन्होंने अपने बारे में फीडबैक बताया। वह हमारे एक पैर से हैंडीकैप भी है, हैंडीकैप होने की वजह से उन्होंने बोला कि सर आपने जो ये तरीका निकाला है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं आपकी वीडियो को काफी टाइम से देख रहा हूँ और भी वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से आपकी डेमो वीडियो के माध्यम से मुझे जितना सीखने को मिला है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक डेढ़ साल से एक दुकान पर काम करने जाता था, लेकिन वहां पर फोल्डर काम, वो ग्लास चेंज करना, चार्जिंग माइक, स्पीकरिंग काफी काम कर लेता था, लेकिन जब मैंने आपकी ये वीडियो देखी और इस वीडियो के माध्यम से मैं मल्टीमीटर को सिर्फ देखता था और मल्टीमीटर को थोड़ा बहुत चलाना जानता था कि एसी डीसी चेक कर लेता था और बैटरी चेक कर लेता था, स्पीकर माइक चेक कर लेता, लेकिन आपकी इन वीडियो के माध्यम से मैंने मदरबोर्ड को इतना चेक करना सीख लिया है कि उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आई थी उसको भी मैंने ठीक किया। तो इस तरीके से उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर किया, हमको भी अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, कि जो हम सिखा रहे हो कहीं ना कहीं किसी को बेनिफिट हो रहा है। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि सर मैं इस तारीख को आ जाऊंगा, इस तारीख को आऊंगा, ऐसे समय पे आऊंगा, और जितनी भी सारी चीजें हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने एक डेढ़ साल काम करते करते हो गया, मुझे इस बात का आभास हो गया, मुझे आइडिया हो गया कि मोबाइल फोन के लाइन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन जो हम सीख रहे हैं इतना सीखने से हमारा काम नहीं होने वाला, हमको बहुत कुछ कुछ का मतलब है, हमको सारा चीज सीखना है, सभी चीज को बारे में सीखना है। जब सारा चीज सीखेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, तभी हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसी तरीके से आपको सिखाते भी हैं और आप मेरे पास आते हैं तो एक एक करके जितने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा आपको क्लियर कराया जाता है। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है। ये कानपुर सागर मार्केट पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन की मार्केट है। यहाँ दुनिया जान के आदमी बहुत झोला भर भर के मोबाइल फोन आते हैं रिपेयर कराने के लिए, और जब वो मोबाइल फोन रिपेयर कराने के लिए आते हैं तो हमारे बच्चे मोबाइल फोन को बनाते हैं, मोबाइल फोन को ठीक करते हैं और उस मोबाइल फोन के माध्यम से किसी का बेनिफिट हो जाता है। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरे पास एक लेडीज आई थी जिनका मोबाइल फोन खराब था, उसके अंदर चार्जिंग सॉकेट खराब था, वो कहीं दिखाने गई तो उनको 80-70 रुपए बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर आए तो हमारे एक स्टूडेंट ने एक चार्जिंग जैक लेकर के आए 10 रुपए में, 10 रुपए में उनको दो चार्जिंग कनेक्टर मिला, एक डालने में उनसे खराब हो गया, फेंक दिया, दूसरा कनेक्टर डाला, मोबाइल फोन हो गया काम, उनका मोबाइल फोन 10 रुपए में एक मोबाइल फोन ठीक हो गया, वो भी खुश हो गई और जितना भी सारे जो बच्चे उनको भी बोल गए कि चल आप बहुत अच्छे से सीखो। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा 10 रुपए मोबाइल फोन बन जाएगा, क्योंकि मार्केट में 70-80 रुपए मांग रहे थे, मेरी तो खाली इसी बात पर बहस हो रही थी कि तुम 50 रुपए ठीक कर दो, 50 रुपए ठीक कर दो, लेकिन वो 70-80 के ही बात पर टिके हुए थे। तो वो मुझे भी अच्छा लगा कि चलिए ठीक है कि इसी बहाने हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं, उनकी सेवा होती है, उनके मोबाइल फोन हमारे बच्चे बनाते हैं, हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है और आप भी आएंगे तो इसी तरीके से सीख करके जाएंगे। और बिल्कुल सारे बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा फ्रेशर हो, चाहे उनको बहुत दिन से काम कर रहे हो, उनको काम पूरा नहीं आता, चाहे उसको सॉफ्टवेयर का काम हो, चाहे हार्डवेयर काम हो, एमएमसी प्रोग्रामिंग काम हो, रिपेयरिंग का काम हो, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सभी मोबाइल फोन को बनाने के तरीका हमारे बच्चे लोग सीख करके जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे मिलेंगे, आगे वीडियो पे मिलेंगे, और आगे का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा क्रिस्टल के ऊपर। क्रिस्टल को मैं चेक करना आपको बताऊंगा, क्रिस्टल के माध्यम से आने वाली समस्याओं के बारे में आपको समझाऊंगा, फिर मैं आगे के वीडियो में आपको बात करूंगा। अच्छा ये वीडियो से आप लिखें समझें, अच्छा हम आपको सर सीखने सिखाने में अगर इतना मदद करते हैं तो आप भी हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पर लगाइए, हमारे ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों पर शेयर करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगर हम आपको जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अगर आपको इतना सिखा के, आपको इतना बढ़ा रहे हैं, आपको इतना मदद कर रहे हैं, तो हम भी आपसे उम्मीद चाहते हैं कि आप भी हमारा सपोर्ट करिए। अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं हम भी बढ़ेंगे, तो हम तुमको सर और अच्छा सिखाएंगे और सारी नॉलेज को देंगे और तुमको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप भी हमारे बच्चे सीख करके बढ़े। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं स्टूडेंट बढ़ता है तो स्टूडेंट के साथ साथ उसका टीचर बढ़ता है, क्योंकि टीचर को, मोदी जी के टीचर को कोई नहीं जानते थे, लेकिन आज उनके, मोदी जी सफल हो गए तो आज मोदी जी के बच्चे सब लोग उनका नाम दूर दूर तक ले जा रहे हैं, उनके टीचर को भी लोग पहचाना जा रहा है। तो इसी तरीके से टीचर और सड़क हमेशा वहीं पर पड़े रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहे, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस मंजिल के सहारे जब कोई अच्छी जगह पर पहुंच जाता है तो उस रास्ते का जरूर नाम लेता है कि मैं सहारे के द्वारा यहाँ तक पहुंच गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के ऊपर और नई चीजों के बारे में सीखें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।